भारत नेपाल सीमा के रक्सौल कस्टम में तैनात कस्टम अधिकारियों की टीम ने करोड़ों रुपए के नारकोटिक्स बरामद किया है। यह बरामदगी उस समय हुई जब कस्टम की टीम को कपड़ा तस्करी की सूचना मिली और इसी के आधार पर तस्करी कर नेपाल ले जाए जा रहे कपड़ों को बरामद करने टीम पहुंची थी। लेकिन कपड़ों के साथ जब कस्टम की टीम ने जाँच का दायरा बढ़ाया तो भारी मात्रा में बोरों में रखे नारकोटिक्स को देख कस्टम की टीम चौंक पड़ी। इस छापेमारी के दौरान कस्टम के साथ नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की टीम की भी अहम भूमिका रही। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 86 किलो नारकोटिक्स का मिलना इलाके में तस्करों की मजबूती को दर्शाता है। इस बरामदगी को मीडिया शेयर करते कस्टम के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी। जब कस्टम के टीम ने कपड़े की छापेमारी के लिए रक्सौल के सरिसवा नदी के समीप प्रेम नगर में छापेमारी की तो वहां तकरीबन 18 लाख के भारतीय कपड़े बरामद हुए। पर कस्टम टीम ने इसके साथ ही जांच का दायरा बढ़ाया तो छापेमारी दल को 3 बोरों में रखे भारी मात्रा में नारकोटिक्स बरामद हो गया। इसका वजन 86 किलोग्राम है जिसका अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए के आसपास है। भले ही भारत नेपाल के बीच कोरोना को लेकर सीमा सील है लेकिन तस्करों के कारोबार पर इस सीमा बंद के कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टम के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस नारकोटिक्स को देखने से प्रथम दृष्टया ब्राउन शुगर प्रतीत होता है पर इसकी असलियत जानने के लिए इसका सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि बरामद नारकोटिक्स ब्राउन शुगर है या फिर कोई दूसरा पदार्थ। देखिए, कोई एक इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ और उसके इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग उसको प्रोसीड किए, मूव किए, तो सिरसवा नदी के किनारे प्रेमनगर बस्ती के पास कुछ ऐसे कंट्राबेंड्स गुड्स मिले जिसको हम लोगों ने सीज किया। सीज करने के बाद हम लोग उधर मूव किए और कि कुछ और भी कोई पदार्थ आसपास तो नहीं है, तो उसमें नारकोटिक सबस्टांसेस के 2-3 बोरी प्राप्त हुए। बोरी प्राप्त हुए उसको आकर के हम लोग देखे तो उसमें नारकोटिक सबस्टांसेस मिले और उसकी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया इसमें ब्राउन फैमिली का सबस्टांसेस माना जा रहा है और उसके बाद इसको टेस्ट के लिए हम लोग जो भी एजेंसी है वहाँ टीम बना के भेज दिए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद क्लियरिटी सामने और आ जाएगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उस साजिश का पर्दाफाश करते हुए उनको उचित कार्रवाई करें। सर, कितना वेट है उसका नारकोटिक्स? नारकोटिक्स का टोटल वेट 86 केजी है। मार्केट वैल्यू कितना परसेंटेज में मार्केट? करीब करीब 20-25 करोड़ के आसपास इसका वैल्यू लगाया जा सकता है। सर, कपड़ा के आड़ में काम किया जा रहा था, ये कहना अभी क्लियर नहीं है चूँकि हम लोग कपड़ा भी सीज किए हैं उसी के आसपास के इलाके से और उसके बाद जब रोमिंग करने लगे कि और क्या हो सकता है इधर कुछ, तो 2-3 बोरी प्राप्त हुई नदी किनारे। कपड़ा 18 लाख का सीज हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने से इंडो नेपाल बॉर्डर बंद है, आम लोगों की आवाजाही पर रोक है, फिर भी तस्कर गिरोह तस्करी को खुलेआम अंजाम दे रहा है और इस तस्करी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी पर बड़ा सवाल है। गनीमत है कि कस्टम विभाग की टीम ने इस ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाले पदार्थ को बरामद कर लिया, अन्यथा यह नारकोटिक्स ना जाने कितनों को ले डूबता। खुलासा के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।